नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर के स्टडी सेवन में। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021 भारत के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंजिंग किए गए हैं, कुछ बदलाव किया गया है, नया केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है जिसमें बहुत सारे मंत्री चेंज किए गए हैं, जिसमें कुछ नेताओं को नया मंत्री बनाया गया है और कुछ मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। तो इस वीडियो में अपन ये जानेंगे फ्रेंड्स कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं और इन मंत्रियों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, जैसे रेल मंत्री कौन है, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और खेल मंत्री कौन है, ये सभी इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आए, करंट अफेयर्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स और जीके ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है और ये दो सब्जेक्ट हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो कट ऑफ है वो एग्जाम का क्लियर हो जाता है, ये दो सब्जेक्ट की वजह से स्टूडेंट कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे चैनल आर के स्टडी सेवन चैनल पर करंट अफेयर्स और जीके की करंट अफेयर्स और जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स और जीके की आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी, इसमें इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपके लिए दिया है, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स और जीके की अगर आपने इन क्लासेस को देख लिया तो दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स अभी हाल ही में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मिनिस्टर में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, 43 मंत्रियों ने शपथ ली है जिसमें से 15 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के हैं और 28 मंत्री राज्य मंत्री से हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर में 8 नए नेताओं को जो मंत्री बनाया गया है उनके बारे में। सबसे पहले बात करें नारायण राणे के बारे में, तो इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मंत्रालय दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग एंड बार्टर वेज आयुष का मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविनेशन का मंत्रालय दिया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को स्टील मिनिस्ट्री का मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय दिया गया है, जो पहले पीयूष गोयल के पास था, अब अश्विनी गोयल को इसका मंत्रालय दिया गया है। रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर में 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है, कौन कौन से हैं, किरण रिजिजू है, लॉ एंड जस्टिस का मंत्रालय दिया गया है, पहले इनके पास स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर का मंत्रालय था। सेकंड हरदीप सिंह पुरी हैं जिनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है, जो पहले सिविल एविनेशन के मंत्रालय था इनके पास। मनसुख मंडाविया को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
केमिकल फर्टिलाइजर का मंत्रालय दिया गया है। इनके पास पहले शिपिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर का मंत्रालय था। महेंद्रनाथ पांडे को हेवी इंडस्ट्री का मंत्रालय दिया गया है, जो पहले इनके पास स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय था। और पुरुषोत्तम रूपाला को फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी का मंत्रालय दिया गया है, इनके पास पहले एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का मंत्रालय था। जी किशन रेड्डी को कल्चर टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का मंत्रालय दिया गया है, इनके पास पहले होम मिनिस्ट्री था। और अनुराग ठाकुर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूथ का मंत्रालय दिया गया है, इनके पास पहले फाइनेंस मंत्रालय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पीएम मोदी और 15 कैबिनेट मंत्रालय के पास कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहले पीएम मोदी के बारे में देख लेते हैं, अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी, इसकी की अहम जिम्मेदारियां हैं। यह विभाग फिलहाल किसी को नहीं दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं राजनाथ सिंह के बारे में। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह होम मिनिस्ट्री के साथ इनको कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी दिया गया है, पहले ये होम मिनिस्ट्री थे। नितिन गडकरी, इनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, इनके पोस्ट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मंत्री इनको दिया गया है, पहले ये रूरल डेवलपमेंट के मंत्री थे। एस जयशंकर को कोई बदलाव इनमें नहीं किया गया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के इनके मंत्रालय थे। अर्जुन मुंडा, इनके भी पोस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये ट्राइबल अफेयर्स जनजाति विभाग के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनको मंत्रालय दिया गया है, ये पहले टेक्सटाइल के मंत्रालय थे। पीयूष गोयल को पहले इनके पास रेलवे मंत्रालय था, अब इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल का मंत्रालय दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।